नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के बारे में, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और सिस्टम्स के कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वो फाइल्स हैं जिसमें एप्लीकेशंस की सेटिंग्स और प्रेफरेंसेस डिफाइन होती है, जिससे एप्लीकेशंस को रन करने का तरीका कंट्रोल होता है। इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की? ये डेवलपर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जिससे वो एप्लीकेशंस को बिना कोड बदले इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये एनवायरनमेंट स्पेसिफिक सेटिंग्स को मैनेज करने के लिए भी यूजफुल होते हैं, जैसे डेवलपमेंट, टेस्टिंग और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स। टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को समझ लेते हैं। एक तो है टेक्स्ट फाइल्स। ये सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में होते हैं, जैसे .ini, .conf या .txt फाइल्स। दूसरा है XML फाइल्स। ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होते हैं और हायरार्किकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तीसरा है JSON फाइल्स। ये ह्यूमन रीडेबल और लाइट वेट फॉर्मेट है, जो डेटा को की वैल्यू पेयर्स में रिप्रेजेंट करता है। चौथा है YAML फाइल्स। YAML कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को रीड करना आसान होता है और ये इंडेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा दिखाने के लिए। कॉमन यूज केसेस अगर मैं आपको बताऊं कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के, तो डेटाबेस कनेक्शन सेटिंग्स, API कीज, एप्लीकेशन पैरामीटर्स और फीचर टॉगल्स जैसे कॉन्फ़िगरेशन में इनका इस्तेमाल होता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या है? एक तो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे पासवर्ड्स और API कीज को सिक्योरली स्टोर करना चाहिए। ओके, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन बताया था ना मैंने पिछले कुछ वीडियोस में। फिर वर्जन कंट्रोल सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन सेंसिटिव डेटा को इग्नोर करना चाहिए। तो ये था छोटा सा ओवरव्यू कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के बारे में। कोई भी क्वेरी आपके मन में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस इस चैनल पर आते रहें, तो लाइक एंड शेयर करके सपोर्ट जरूर करें इस चैनल को। जिस किसी ने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती हैं, वरना हो सकता है कि काफी सारे वीडियोस आप मिस कर जाएं। वैसे वीडियोस और प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं वो। यहाँ कुछ वीडियोस मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। गुड बाय।